क्या आपने कभी सोचा है कि ये इन तीन स्टंप्स के ऊपर ये दो बेल्स कब से लगी हैं और क्यों लगी हैं? ये है स्टोरी बिहाइंड क्रिकेट बेल्स। जब से क्रिकेट स्टार्ट हुआ है तब से हमेशा से क्रिकेट स्टंप्स के ऊपर बेल्स का इस्तेमाल हुआ है। इस बेल का काम ये होता है कि जब भी ये डिसलॉज हुई तो विकेट्स को ब्रेक मान लिया जाता है और किसी भी बैट्समैन को आउट करने के लिए विकेट ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। विकेट ब्रेक करने के कई तरीके हो सकते हैं। बॉलर डायरेक्ट बोल्ड करके विकेट ब्रेक कर सकता है, जहाँ वहीं बैट्समैन का अगर बैट या कोई भी बॉडी पार्ट विकेट से टच होता है और बेल्स डिसलॉज हो जाती है तो उसको ब्रेक मान लिया जाएगा। वहीं कीपर अपने ग्लव्स में लेकर बॉल को डायरेक्टली स्टंप्स में मार सकता है या फिर कोई फील्डर डायरेक्टली थ्रो करके विकेट्स पर मार कर बेल्स को डिसलॉज कर सकता है, इसको भी ब्रेक ऑफ विकेट्स माना जाएगा। लेकिन ये बेल्स कब से लगी हैं? जब से क्रिकेट स्टार्ट हुआ है ये तब से लगी हैं, लेकिन इसमें काफ़ी चेंजेस आते रहे हैं। दरअसल 1744 से पहले विकेट्स को गेट बोला जाता था। इसमें एक ऑफ स्टंप और एक लेग स्टंप होता था जिसके ऊपर एक सिंगल पीस ऑफ वुडन स्ट्रिप लगा होता था जिसको बेल बोलते थे, और इस पूरे को गेट बोलते थे। क्योंकि ये गेट जैसा नज़र आता था तो एक दिक्कत 1744 में ये सामने आई कि स्टीवन एडवर्ड नाम के एक बॉलर ने लगातार 3 बॉल्स इस गेट के थ्रू पास कर दी, और इस गेट के थ्रू पास होने की वजह से स्टंप्स ब्रेक भी नहीं हुए और बेल्स भी डिसलॉज नहीं हुए, तो बैट्समैन को लगातार नॉट आउट दिया गया। सो 1744 के कोड ऑफ क्रिकेट में एक नया रूल लागू हुआ जिसमें मिडिल स्टंप का इंट्रोडक्शन हुआ। मिडिल स्टंप के आने के बाद भी सिंगल स्ट्रिप ऑफ बेल को लगातार इस्तेमाल किया गया, लेकिन 1950s में एक नई तरीके की बेल्स आई जिसको आप बीच से तोड़कर दो पीस में यूज़ कर सकते थे। इसके बाद लगातार इनोवेशंस होते गए और हैवी बेल्स का इंट्रोडक्शन हुआ ताकि विंडी वेदर में वो बेल्स हवा से ना गिर जाए। इसके बाद लेटेस्ट इनोवेशन हुआ जिंगर बेल्स का, जिसमें लाइट विकेट पे बॉल टच होते ही ऑन हो जाती है। इसका फ़ायदा रन आउट्स और स्टंपिंग के दौरान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले रीप्ले में ये नहीं पता लगता था कि कब विकेट को ब्रेक माना जाए, क्योंकि कभी कभी बेल हवा में होती थी और कभी कभी डिसलॉज होते वक्त वो साथ में ही नीचे गिर जाती थी, तो अंपायर्स के लिए मुश्किल हो जाता था कैमरे पे ये डिसाइड करना कि विकेट कब ब्रेक हुआ। लेकिन अब जैसे ही बॉल विकेट पर लगती है और जिंगर बेल की लाइट ऑन हो जाती है तो विकेट्स को ब्रेक मान लिया जाता है, और उस टाइम अगर बैट्समैन क्रीज से बाहर है तो उसको आउट मान लिया जाता है। और वीडियोज़ के लिए फॉलो कीजिए इम्पैक्ट इन लाइन को। अभी बेल्स के पीछे एक और कहानी है जो कि है द एशेस की। जी हाँ, एशेस के अंदर भी एक बेल की एशेस है। इसके बारे में और बात करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए।